का असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस आज हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न किस प्रकार पूछा जाएगा तो देखेंगे, क्या आप स्कूल जाते हो, क्या पहले आएगा हिंदी में जिस तरह क्या रहा उसी प्रकार जो है यहाँ अंग्रेजी में डू डज यूज करेंगे, दो को यूज करेंगे। अब दो को क्या होगा अभी बताएंगे, डू और डज ये बता चुके हैं, पहला वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा, उसका पूरा उसी से बेस है, इन सारे प्रश्न क्वेश्चन बनेगा तो उसी से बेस है, वही सेंटेंस है, वही चीज रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको डू और डज को ध्यान में देना है, बाकी कुछ ध्यान में नहीं देना, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो देखिए पहला क्रिया, जो क्रिया का पहला रूप, तो देखिए फ्रेंड्स जब हम लोग इंट्रोगेटिव में समझ गए हैं तो यहाँ देखिए आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स राम एंड सीता, इन सारे जो लोग हैं इसके साथ दोस्ती है डू के साथ, कभी डच के साथ नहीं होगा फ्रेंड्स। इन डच के साथ हमेशा इसके साथ दोस्ती में क्या है फ्रेंड्स, ये इनेमी है, मतलब ये विरोधी है, मतलब ये दुश्मन है, इन लोगों के साथ डच कभी नहीं भिड़ेगा, समझे फ्रेंड्स, ये दुश्मन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दुश्मन है, इन लोगों के साथ ये डज दुश्मन है, लेकिन इसका अपना फ्रेंड है डू, हमेशा इसके साथ इन सभी के साथ रहेगा। इसका मतलब जो प्लुरल होगा वो डू यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, डू लेगा इन सारे जो है ना, इसको चला लेगा, बोलेगा चल, कहीं भी जाएगा तो बोलेगा इन सभी में, कोई अगर आई जा रहा है तो बोले डू के लेके जाएगा, वी जाएगा तो वी भी डू के लेके जाएगा, यू जाएगा तो डू के लेके जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ही सी इट राम सीता गीता फीता जो भी नाम आए उन सारे सभी के साथ में हम डज यूज हो, मीन्स डज इसका फ्रेंड है, इन सभी कोई जाएगा, कोई भी एक जाएगा तो डज के लेके जाएगा, इसका इन सभी का दोस्त कौन है डज, इसलिए डज जो है इन सभी के साथ में अच्छा होगा। लेकिन ये डज जो है इन सभी के साथ में दुश्मन है, जैसे हम लोग का एक फ्रेंड जैसे कमीना होता है, इस तरीके सुने होंगे, एक दोस्त मतलब कमीना होता है, तो इस प्रकार से ये इन सभी के साथ में कमीना है, समझे, दोस्त है, दोस्त नहीं है, दुश्मन है, समझ में आ गया। तो इन सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे, इन सारे सब्जेक्ट कहलाएंगे। तो आइए बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो फ्रेंड्स मैं है तो मैं के लिए आई होता है, तो आई किसको लेगा डू, जैसे ही क्या आया हिंदी में उसी प्रकार से डू आएगा, पहले बोलेगा आई बोलेगा, या इन सभी में से कोई एक जा रहा है बोलेगा देखना कोई आ रहा है क्या, देखना कोई आ रहा है क्या, इसलिए इसको पहले भेज देगा, उसके बाद ही सब बाद में जाएगा प्रश्न में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न में आई बोलेगा जाओ ना रे, जाओ ना देखना कोई है का, तब हम जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके अगर वी है तो वी बोलेगा जाओ 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 देखना, ये मतलब ये देखने का काम बहुत करेगा, मतलब पहले ही जाएगा सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ समझ में आ गए, तो देखेंगे क्या है, तो पहले डू आई डू, ठीक है डू आई, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म हो गया गो, उसके बाद यहाँ जाने का बात है स्कूल, देखिए स्कूल, तो स्कूल लिखेंगे डू आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए क्या आप लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो कैसे बोलेंगे फ्रेंड्स, क्या हम लोग अंग्रेजी के लिए, हम के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी और डू को भेजेगा जाओ 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 देखो तो है का, कोई है का। ठीक है, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे, डू को भेजेंगे जाओ ना देखना है का, कोई है का, अगर नहीं होगा ना तो वी तुरंत जाएगा, देखो वो आ गया तुरंत आया, तो डू वी तुरंत जाएगा, उसके बाद वर्ब जो वहां काम करेगा उसका एक्शन लिखेगा, तो वो काम क्या करेगा, सीखेगा यानी लर्न, सीखने का काम को बोलते हैं लर्न, क्या सीखेगा तो अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश सीखेगा, तो क्या सीखेगा फ्रेंड्स इंग्लिश, तो ऐसे लिखेंगे इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस प्रकार से, देखिए क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, देखेंगे क्या आपके लिए यू होता है, तो यू किस में है, इसको यू भेजेगा जाओ 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 अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करना है जाओ, उसको भेज देगा, तो डू पहले आ जाएगा और यू यहाँ बाद में देख रहेगा, मौका देखेगा। ठीक है, मौका मिले तो फिर फायदा उठा, तो यहाँ पे क्या आगे था, तो इसका डू भी आगे हो गया, तो डू यू, अब बोलता है बोलना का क्या होता है फ्रेंड्स, स्पीक, वहां जाके बोलेगा, क्या बोलेगा अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश,
तो ऐसे इन सेंटेंस को हम लोग बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, क्या वह स्कूल जाती है? अब लड़की है, अब लड़की के लिए यूज करते हैं सी, देखो सी यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स हमेशा बोले थे सी, ठीक है। प्रश्न है तो सी क्या करेगा, सी भेजेगी इसको, कहे डज, जाओ ना डज, जाओ ना देखना रे कौन है देखना, तो ये आएगा यहाँ आगे, पहले आएगा ये, जो पहले ये सी जो भेज देता है, जाओ ना कोई है का, जब नहीं होगा तब फिर सी तुरंत आएगा, अगर होगा तो अलग बात है, वो हमेशा नहीं रहेगा। तो डज सी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करना है जाना, गो होता है, कहाँ जाना है तो स्कूल, तो टू इधर जो लिखते हैं ना इसको बढ़ाते जाते जोड़ते जाते, तो स्कूल, तो वो कहाँ जाएगी, स्कूल जाएगी, मतलब स्कूल जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ स्कूल जाती है, तो बोलेंगे डज सी गो टू स्कूल, क्या हुआ स्कूल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें प्रश्न यस या नो में देना, यस जाते हैं नहीं जाते हैं, क्या हुआ स्कूल जाता है। अब यहाँ देखेंगे लड़का है यहाँ, तो लड़का के लिए ही यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, ही। और ही क्या कहेगा, जाओ तुम फर्स्ट में जाओ, देख लो कोई है का, तो डज पहले आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डज आया। अब बोलता है स्कूल जाने के, तो फिर वही चीज है, गो टू स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, आप लोग का एक्सरसाइज मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, स्क्रीन में आएगा अभी। उसके बाद क्या सीता अंग्रेजी पढ़ती है, तो क्या सीता अंग्रेजी पढ़ती है, तो बोलेंगे सीता, तो देखिए ये सब नाम है, नाम कहाँ आएगा फ्रेंड्स इसमें, तो पहले डच को भेजेगा, जाओ जाओ देख तो कोई है का, तो सीता बाद में आएगी, देखते देखते कोई है नहीं होगा तो आएगी, देखिए डच सी। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, पढ़ना का रीड यूज करेंगे, और रीड करेंगे तो क्या रीड कर रहे हैं, तो इंग्लिश, तो अंग्रेजी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। अब देन ध्यान से समझते जाए, यार क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क। क्या सीता और गीता समोसा खाती है, मतलब समोसा खाती है, सीता और गीता समोसा खाती है पूछ रहे, तो देखिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ दो गो हो गया, यहाँ ये सिंगल के बात करेगा, जब दो गो होगा तो फिर इसमें आ जाएगा, जब इसमें आएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डू हो जाएगा, और जब डू हो गया उसके बाद लिख देना सीता एंड, सीता एंड गीता लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, समोसा खाना, तो समोसा क्या कहते हैं फ्रेंड्स, मीन्स रिसॉल्व बोलते हैं, रिसॉल्व, ठीक है फ्रेंड्स, रिसॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन मार्क, तो ये रहा हम लोग का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यही होता है कि हम लोग डू या डच को पहले रखते हैं, मीन्स पहले उसको गार्ड के रूप में रखेगा, जो भी सब्जेक्ट आएगा उसको रखेगा आगे में, ताकि उसके पास फायरिंग अगर हो रहा है तो पहले क्या करता है, पहले फोर्स को भिड़ा लेता है। राजा महाराजा रोज पहले नहीं लड़ता, बाद में लड़ता, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार इन सबको भेज देता है, जाओ वो नहीं सकेगा फिर वो आएगा। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं इसमें इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों सेंटेंस देखेंगे। आइए तो आइए फ्रेंड्स देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इसमें दोनों होगा, क्या पहले होगा और बीच में नहीं होगा, जैसे दोनों होगा, कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, क्या होगा और नहीं भी होगा, हिंदी में दोनों होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इंग्लिश में भी दोनों होगा, क्या के लिए हम लोग यूज करते हैं, कभी डू तो कभी डज, कैसे यूज करते थे बता दिए थे इस इंट्रोगेटिव में, कि डू आएगा इसके साथ और डज आएगा इन सभी के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। डायरेक्ट हम लोग आते हैं, स्ट्रक्चर है क्या, सबसे पहले डू या डज लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, वर्ब फॉर्म फर्स्ट का और ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, पहले डू डज, सिर्फ खाली नॉट घुसा देना, इंट्रोगेटिव में सिर्फ नॉट घुसा देते हैं, अंदर कर देते हैं, नहीं लगा देते, देखिए यार नहीं लगा देना इंट्रोगेटिव में, तो वो इंट्रोगेटिव में नहीं लगा देते तो वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बन जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, ठीक है। तो आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं, कैसे करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है डू या डज, डू या डज कैसे आएगा, तो इसका दोस्त इन सभी के दोस्त क्या है, डू, तो देखेंगे मैं है, तो मैं के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, आई होगा, तो इसके दोस्त कौन है, डू,
डू को भेजेगा पहले, फर्स्ट में, फर्स्ट में लिखना है, उसके बाद आई, तो डू आई हो जाएगा। उसके बाद लिखना है फ्रेंड्स यहाँ सब्जेक्ट लिख दिए, मतलब डू डज में दो के चुन लिया एक के, तो आई हो गया। यहाँ देखेंगे उसके बाद नॉट यूज करना है, तो नॉट यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद वर्ब फॉर्म यूज करना है फर्स्ट का, फर्स्ट क्या जाना, जाना क्या होता है फ्रेंड्स गो। उसके बाद क्या क्या है तो आगे गो टू स्कूल, कहाँ जा रहा है तो स्कूल जा रहा है, तो ये हो जाएगा। तो देखेंगे इस तरीके से कि डू आई नॉट गो टू स्कूल, कहने क्या हो जाएगा हिंदी, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट करेंगे, क्या आप लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, नहीं सीखते, ठीक है, हम लोग है, सॉरी, हम लोग अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, हैं, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, डज, सॉरी डू, क्या लिखेंगे डू, ठीक है फ्रेंड्स डू। उसके बाद लिखेंगे यहाँ हम लोग के लिए वी, तो वी, तो डू वी, ठीक है, डू वी नॉट यूज करेंगे। फिर यहाँ सीखना का लर्न, क्या यूज करेंगे फ्रेंड्स, लर्न, और क्या नहीं तो अंग्रेजी, देखिए फ्रेंड्स अंग्रेजी सीखते नहीं है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से सब देखे क्या है, तो देखेंगे यहाँ पे आप है, आपके लिए यू, और यू डू लेगा तो डू पहले लिखेंगे, उसके बाद यू आ जाएगा, उसके बाद नॉट, नहीं के लिए नॉट लिखेंगे, क्या इस, क्या करने का क्रिया क्या है फ्रेंड्स, बोलना, तो बोलने के लिए स्पीक लिखेंगे, और क्या नहीं, क्या नहीं बोलते हैं तो इंग्लिश लिखेंगे, इंग्लिश के लिए मतलब इंग्लिश लिखेंगे फ्रेंड्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक, क्या आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो तो डू यू नॉट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्या हुआ है, स्कूल नहीं जाती है, अब देखेंगे डज आएगा, क्यों फ्रेंड्स डज इसीलिए आएगा, इसका है, यहाँ देखिए इसका दोस्ती डज से रहता, तो डज लड़की है तो सी लिखेंगे, डज सी नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्रिया क्या है गो, तो गो लिखेंगे मतलब जाना, जाने की क्रिया है, और यहाँ देखें कहाँ जाने का है नॉट गो, तो क्या लिखेंगे नॉट गो टू स्कूल, तो वो स्कूल, ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या हुआ स्कूल नहीं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या हुआ स्कूल नहीं जा, ठीक है, नहीं जाता है, लड़का है तो लड़का के लिए हम लोग क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ सब वही लिखना है डज, यहाँ खाली ही करना है लड़का के लिए, बाकी सब वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डज ही नॉट, नॉट लिखेंगे गो टू स्कूल, लास्ट में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क, क्या सीता अंग्रेजी नहीं पढ़ती है तो डज लिखेंगे, नाम आ गया डज सीता, डज सीता नॉट रीड, पढ़ने का काम क्या है फ्रेंड्स, रीड करना, अंग्रेजी क्या है, क्या रीड करना तो इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार देखेंगे क्या सीता और गीता नहीं समोसा खाती है, तो यहाँ दुग हो गया, और जब दुग होगा तो यहाँ ऊपर में, ये सिंगल है, ये सिंगल का बात करेगा, ये एक से ज्यादा की बात करेगा, यानी दुग होगा, तीन गो होगा, इस तरीके, तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड्स, डू पहले लिखेंगे डू, उसके बाद सीता लिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सीता और गीता, तो एंड गीता, सीता गीता, यहाँ लिखेंगे नॉट, नहीं के लिए नॉट, समोसा खाना खाने का होता है ईट, और क्या समोसा के लिए रिसॉल्व, ठीक है फ्रेंड्स रिसॉल्व, तो ये हम लोग का बन के तैयार हो गया। इस भी प्रकार से हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाएंगे, और इस तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन सिर्फ आगे जो पुट करते हैं, आइए देखते हैं थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स डब्ल्यू एच क्वेश्चन में क्या होगा फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव, देखिए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव जो है ना फ्रेंड्स, इसको ध्यान नहीं देना है, इसमें क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंट्रोगेटिव को ध्यान नहीं देना, आपको देखना है ये, इसका स्ट्रक्चर ये होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन के नाम से जानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जिसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन, जैसे डब्ल्यू एच रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, ठीक है क्वेश्चन, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन इसका, या डब्ल्यू एच फैमिली भी बोलते हैं, उससे प्रश्न जब आता है तो हम लोग स्ट्रक्चर, पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था उसी में हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसमें डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देंगे। डब्ल्यू एच होता क्या है, क्या फ्रेंड्स, तो डब्ल्यू एच जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, हूज, होम, क्या, वेयर, हाउ, ये सब क्या है डब्ल्यू एच है, जिसमें डब्ल्यू और एच पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखेंगे मैं स्कूल क्यों जाता हूँ,
तो पहले इसको क्यों आए उसको हटा दो, उसको दिमाग में नहीं रखना, आपको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, पहले तो ये इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई है तो डू पहले आएगा, आएगा ना फ्रेंड्स डू, उसके बाद आई आएगा, ठीक है। डू आई गो टू स्कूल, ऐसे हो जाएगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, इसी में डब्ल्यू एच लगा देना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। डब्ल्यू एच जैसे क्यों के लिए क्या होता है वाई, तो डब्ल्यू एच क्या हो गया फ्रेंड्स वाई, सो वाई डू आई गो टू स्कूल हो गया, बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग डब्ल्यू एच जोड़ देंगे तो वो बन गया प्रश्न, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो देखिए मिला के देखिए डब्ल्यू एच क्वेश्चन ये हो गया, डू या डज इसमें लेना है तो डू लिए, आई की दोस्ती है डू के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट इसको बोलते हैं, सब्जेक्ट हो गया वी फर्स्ट है, देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट इधर हो गया अदर वर्ड। आगे फ्रेंड्स हम लोग अंग्रेजी कहाँ सीखते हैं, तो पहले हम लोग क्या हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं उसको बना लीजिए। तो पिछले वाला में देखें कि क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, पहले डू यूज करेंगे, डू वी, ठीक है, डू वी लर्न इंग्लिश। अब इसमें क्या करेंगे, कहाँ पूछा है तो कहाँ के लिए वेयर होता है, तो वेयर यूज करेंगे, क्या फ्रेंड्स वेयर, वेयर, तो वेयर डू वी लर्न इंग्लिश, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देखिए डब्ल्यू एच हो गया। उसके बाद यहाँ सेम फार्मूला है, ज्यादा कुछ नहीं, इंट्रोगेटिव का सेम फार्मूला, ओके फ्रेंड्स। तो ऐसे हो गया कि आप अंग्रेजी क्यों बोलते हो, आप अंग्रेजी क्यों बोलते हो, तो देखेंगे यहाँ क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, तो ऐसे ही बना लेंगे, या आप क्यों अंग्रेजी बोलते हो, तो डायरेक्ट लिख के सबसे पहले डब्ल्यू एच लिखना है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ओके बाय।